पंजाब चुनावों में इस बार बहुकोणीय मुकाबला होना तय है। इस परिदृश्य को और पेचीदा बनाने का काम अब विभिन्न सिविल सोसाइटी ग्रुप कर रहे हैं। जूझता पंजाब एक ऐसा ही सिविल सोसाइटी समूह या मोर्चा है। जूझता पंजाब ने आज यहाँ चंडीगढ़ में अपना एजेंडा मीडिया के सामने पेश किया, लेकिन इससे पहले कि हम इस समूह के एजेंडे की बात करें, पहले आपको ये बता दें कि कौन कौन सी हस्तियाँ या शख्सियात इसका हिस्सा हैं। जो लोग इसमें शामिल हैं उनमें बब्बू मान, गुलपनाग, जस बाजवा, सरबजीत सिंह धालीवाल और अमिजोत मान जैसे नामों को पंजाब के लोग काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके साथ साथ देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर स्वमान सिंह, दीपक शर्मा चनार्थल, हमीर सिंह और श्याम सुंदर दीप्ति जैसे एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल हैं। और भी काफ़ी जाने माने लोग इस ग्रुप का हिस्सा हैं। जूझता पंजाब का दावा है कि पंजाब की राजनीति को स्वच्छ और जवाबदेह बनाना उनका मकसद है और इसके लिए उन्होंने बाकायदा 31 बिंदुओं वाला प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें खेतीबाड़ी रिफॉर्म से लेकर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तक सब शामिल हैं। इस समूह का दावा है कि ना तो किसी राजनीतिक दल से उनका कोई नाता है और ना ही इस समूह से जुड़े लोग कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं। हालांकि ये समूह केवल उसी राजनीतिक दल को अपना समर्थन देगा जो इसके इस एजेंडे से पूरी तरह से सहमत होगा। साडा बहुत वड्डा एक सवाल है। पंजाब विच जिवें देखदे हाँ तो उदों सिख संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी बहुत प्रभावशाली संस्था है। 100 साल तो लंबी उहदी उम्र हो चुकी है। तो जिहड़ियां चोणां भी लोकतंत्री ढंग दे नाल संविधान के मुताबिक जो बनिया हो रही हैं, इस तरह देखा गया कि जिदा की सरकार केंद्र दे विच हुंदी उहदी मर्जी के मुताबिक चोणां हुंदियां। पंजाब की राजनीतिक धिरां श्रोमणी अकाली दल वह जो उदी मंशा बनती है तो केंद्र नाल गल करता है तो चोणां उहदी मर्जी मुताबिक उन लोगों की मर्जी मुताबिक नहीं चुनी जाती। तो जो असं पंजाब की गल कर ले तुरे हाँ कि सुथे सिद्ध है कि असं यह गल करनी चाहवे कि जो पंजाब बचाने की गल चलती पंजाब दी संस्थां बचाने की गल भी जो चलेगी और जो सिख फौज के बंदे बाहर बैठ के काम कर रहे हैं असी लोग भी पंथक तालमेल संगठन के नाम थले जथेबंद तौर पर कौमी तौर पर भी काम करते पे हैं। असं साडा पूरा एजेंडा उत्ते तैयार है कि वो जो पंजाब एक्ट है कुछ की तब्दीलियों की लड़ है ता कि लोग भाईवाल बन सकन, वो एक धिर एक परिवार एक टब्बर ना रह जाए। इस करके जो अज का साडा मंच है ये पंजाब की राजनीति जिहड़ा सानू पता लग गया कि गंदली हो चुकी है। ये सानू पल्ले पंजाब दे कुछ नहीं पै रहा। 3 करोड़ पंजाबी केवल ठगिया ही जाता है जिवें हुणे ही आपां देख रहे हैं कि जिन्नियां भी राजनीतिक धिरां ने पंजाब नूं कंगला भुखारी मन के जिहड़ा है उन्हां वास्ते ऐलान ते ऐलान कर रहे हैं जिहड़े पॉलिसी दे उत्ते एजेंडे दे उत्ते नीति दे उत्ते पंजाब दे लोकां दी भाईवाली राजनीति दे विच उह नाल लै के काम करन दी भावना पंजाब इह किसे भी राजनीतिक धिर दे कोल नहीं है। इन्हां कमियां नूं देख के आ जिहड़ी गल तुसीं तां गल कर रहे हो, ये जिहड़े वीर बैठे ने मैं तां इन्हां तों मारने जांदा हाँ। इन्हां ने कोई अज गल नहीं शुरू कीती, अंदोलन चलदियाँ चलदियाँ इन्हां दी बैठकां शुरू हो गईयां। रात के 2-2 बजे तक ला के एजेंडे के कली कली मद से माहर सद के कोई पटियाले हो कोई चंडीगढ़ हो कोई अमृतसर हो कोई दूर कला बुला के जो एजेंडा ताड़े सामने दिता है ये बहुत महत्वपूर्ण मेहनत का सिक्का है। इस करके ये जो एक साड़ा दबाव बनेगा ये जथा बनेगा ये वाकई ही पंजाब की होनी ठीक दिशा जितों पंजाबी अपनी मर्जी का राज प्रबंध जोड़े है वह करने की समर्था न माण महसूस करे। इसलिए हर खेत्र को प्रभावित करेगा उत्थे भी साडा जो नज़रिया है नाल दे नाल संस्था सुधाई दे लई सुधार दे लई हर थां ते आवाज जी है पहुंचे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।